हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज का जो यह वीडियो है रमेश दास जी के रिक्वेस्ट पर है। उन्होंने हमसे पफ फिटिंग करने के बारे में पूछा था, तो आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज में पफ हम किस प्रकार से लगाएंगे और किस तरीके से हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे उसको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सीखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिन्हें सिलाई और कटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स का जवाब जल्द से जल्द दे सकूँ। अगर किसी को अपने कमेंट्स का जवाब नहीं मिला है तो उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मैं जल्द से जल्द सभी के कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का कमेंट रह गया है तो आप फिर से कमेंट करें, हम उस पर ज़रूर जवाब देंगे। और जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पर बहुत जल्द हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े पर अस्तर को चिपकाएंगे। इस तरीके से हम किनारे से इस पर सिलाई लगाना चालू करेंगे और किनारे किनारे सिलाई चलाते हुए हम इसको चिपकाएंगे। और उसके बाद इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी चिपकाएंगे। तो अस्तर को सेट करने के बाद हम इसमें अब डोरी वाली पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। इस डोरी वाली पाइपिंग को हमने पहले से ही रस्सी लगा करके रखा हुआ है गोल्डन कपड़े पर। आप इस प्रकार का डोरी वाली पाइपिंग बनाने का तरीका अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी चिपकाएंगे। तो इस प्रकार से हम दूसरे साइड भी डोरी वाली पाइपिंग को रखेंगे, और पाइपिंग को चिपकाते वक्त हमें खास ध्यान इस बात का रखना है कि हम रस्सी के ऊपर बिल्कुल भी मशीन नहीं चलाएंगे। रस्सी को अंदर फंसा करके चलाना है, और इस प्रकार से धीरे धीरे खींचते हुए हम इस डोरी वाली पाइपिंग को फिट करेंगे। अगर आपको डोरी वाली पाइपिंग बनाने में परेशानी होती है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। डोरी वाली पाइपिंग में आ रही परेशानियों को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, मशीन में एक छोटा सा सेटिंग करना होता है उसके बारे में मैं बताया हूं, आप वहां पर जा कर के देखिए। और इस पाइपिंग को अगर बनाना नहीं जानते हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। सिर्फ एक एक सिलाई से हमने यहाँ पर पाइपिंग को फिट कर लिया है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो प्रिंसेस कट का कटोरी है उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से फिट करेंगे, पलटा लेंगे, और पलटाने के बाद हम इसमें किनारे से सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से राउंड शेप में धीरे धीरे घुमाते हुए हम इसे सावधानी के साथ फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक साइड का जो हिस्सा है वो तैयार हो गया है, और इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी फिट करेंगे। जब आप इसमें सिलाई चलाएंगे तो आप खास ध्यान रखेंगे कि हमें रस्सी के राइट साइड से सिलाई चलाना है, ताकि जब हम इस कपड़े को पलटाएंगे और पलटा करके सीधा करेंगे तो रस्सी हमारा ऊपर से दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो प्रिंसेस कट का फ्रंट साइड होता है उसको हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसमें अस्तर की फिटिंग करेंगे, और अस्तर की फिटिंग करने के बाद जब हम इसमें कप लगाएंगे, जिसको हम अपने साइड पफ बोलते हैं, पफ या कप आप जो भी बोलें, उसको फिटिंग किस तरीके से करते हैं बहुत ही आसानी के साथ मैं इसको बताऊंगा। तो आप इसमें देख सकते हैं अंदर हमने अस्तर को रखा हुआ है और ऊपर कपड़ा है, तो इसको हम
इस प्रकार से सबसे पहले नेक से इसको चिपकाना चालू करेंगे, और अस्तर को चिपकाते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि हम इसमें किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से आप अस्तर और कपड़े को एक बराबर जमाते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। फ्रंट नेक में जब हम सिलाई चला लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट नेक में इसमें डोरी वाली पाइपिंग फिट कर लेंगे। दोस्तों, यह डोरी वाली पाइपिंग बनाना बेहद ही आसान है, और जब भी आप डोरी वाली पाइपिंग बनाने का प्रयास करेंगे तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप पतले से पतला रस्सी इस्तेमाल करें, जिससे कि पाइपिंग बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ बनता है। इस प्रकार से फ्रंट नेक पर हमने पाइपिंग को फिट कर लिया है, और उसके बाद हम इसे पलटा देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम अंदर की तरफ इसे इस प्रकार से पलटाएंगे, और पलटा करके एक सिलाई हम इसके ऊपर चला देंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट नेक पर भी पाइपिंग को लगा लिया। अब हम इसमें पफ की फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जब इसका कटिंग किया था तो शोल्डर से नीचे 10 इंच पर हमने सेंटर का निशान लगाया था, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक सेंटर का निशान लगा लेंगे 10 इंच पर। इस निशान को हम दोनों साइड लगाएंगे शोल्डर से 10 इंच पे। ये निशान जो है पफ का सेंटर बनेगा। अगर आपने इसके कटिंग का वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज का फर्मा कटिंग भी बताया है, और उस फर्मा को रख करके हम किस प्रकार से ब्लाउज की कटिंग करेंगे, ये दोनों वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, और उसके बाद मैं इसके सिलाई का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जा करके क्लिक करके ज़रूर देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, पप को सुई धागे से इसमें पहले अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, ये पप 32 इंच साइज का है, आप इसे अपने नज़दीकी किसी भी थ्रेड हाउस से या फिर मैचिंग पॉइंट से ले सकते हैं, बहुत ही चीप रेट में यह आपको हासिल हो जाएगा। तो जब हम इसको फिटिंग करेंगे तो सबसे पहले सुई धागे की मदद से इसको टाका लगाएंगे। इस प्रकार से पहले दोनों को जमा के रख लेंगे, और उसके बाद उठा करके जो सेंटर हमने इसका बनाया हुआ है, नीचे 10 इंच पे हमने निशान लगाया था, वहाँ पे इसको और इस पप के सेंटर से इस प्रकार से मिला करके सुई धागे से पहले टाका लगा लेंगे। इस तरीके से अगर आप इसमें टाका लगा लेंगे तो फिर यह ये सरकेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं, इसमें हमने दोनों पप को सुई धागे से पहले फिट कर लिया है। फ्रेंड्स, इस पप को हमने अस्तर पे फिट किया है, और उसके ऊपर हम कपड़े को इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से पहले बराबर इसको हम जमा लेंगे। इसको जमा करके रखने में अगर आपको परेशानी हो रही होगी तो आप इसे पिन करके भी रख सकते हैं। तो अब हम इसमें सिलाई चलाना प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से नीचे के साइड से हम इसमें किनारे से सिलाई लगाना चालू करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के ब्लाउज में कप को फिट करना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम चारों साइड सिलाई लगा करके इसे टेक कर देंगे। गले पर तो हमने ऑलरेडी पाइपिंग लगा रखा है, तो नीचे साइड हम एक और पाइपिंग लगा लेंगे कमर पे। तो
फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने चारों तरफ सिलाई लगा करके कप वाला ब्लाउज तैयार कर लिया है। इसमें हम अब सिर्फ नीचे और एक पाइपिंग लगा देंगे, जिससे इसका लुक और बढ़ जाएगा। नीचे पाइपिंग लगाने के लिए हम इसमें पाइपिंग को इस तरीके से रखेंगे। पाइपिंग को लगाते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि रस्सी आपके लेफ्ट साइड में रहेगा। उसके बाद हम इसे पलटा करके एक सिलाई चला देंगे। इस प्रकार से आप इसमें किनारे किनारे एक सिलाई लगा देंगे। और डोरी वाली पाइपिंग बनाते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो मशीन में हम धागा लगाएंगे, पाइपिंग क्या है, हम आमतौर पर दूसरे कलर का लगाते हैं, चाहे गोल्डन कलर हो चाहे कोई भी कलर हो। इसमें हम बॉर्डर के कलर का भी पाइपिंग कभी कभी लगाते हैं। तो जब हम उसमें मशीन में धागा लगाएंगे तो जिस कलर के कपड़े पर हमें सिलाई करना है उसी कलर का धागा लगाना है। इस तरीके से यह कप वाला जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो फ्रंट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और इसमें फ्रेंड्स, आप बैक साइड के डिज़ाइन बनाना तो जानते ही हैं, बैक को हम फ्रंट से किस प्रकार से अटैच करते हैं, किस तरीके से इसकी फ़िटिंग करते हैं। अगर कोई ऐसा है हमारे चैनल पर जो इस तरीके के वीडियोस नहीं देखा है या ब्लाउज़ की फ़िटिंग करना नहीं जानता है, तो हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर जा कर के देखिए। ब्लाउज स्टिचिंग किस तरीके से किया जाता है, ब्लाउज कटिंग किस प्रकार से किया जाता है, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाल रखी हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। प्रिंस कट ब्लाउज के लिए, माफ़ कीजिएगा, प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे इसलिए मैंने इसको पप लगा करके बता दिया है कि किस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि पप लगाने का यह आसान तरीका आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।